हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक आपका अपने परिवार एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे हमारे फटाफट जल्दी से आ जाएं, एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करना है जो रोजाना हम लोग लेते थे मॉर्निंग में 9 बजे। कुछ बेहतरीन से मेंस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस उनको हमें डिस्कस करना है। तो सभी बच्चे हमारे फटाफट जल्दी से आ जाइए, एक सेशन को बेहतरीन जानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत ही सिंपल है, आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाए सारे बच्चे फटाफट जल्दी से फ्रेम करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। इसके लिए टाइमर मैं दूंगा 30 सेकंड का, आप सभी को पास 30 सेकंड है, आप बनाए सभी लोग जल्दी से बनाएंगे भाई। 30 सेकंड से आपके पास क्वेश्चन के लिए, सारे के सारे साथी हमारे बनाएंगे फटाफट जल्दी से। चलिए बनाइए फटाफट सभी लोग, जल्दी से बनाए सारे बच्चे फटाफट, सारे बच्चे बनाएंगे फटाफट जल्दी से, बनाए जल्दी बनाए। बढ़िया सा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि पी आई जी का जो रिलेशन जी टी ए से है, वैसे सेम रिलेशन एस यू एन का एम ओ एच से होगा और आपको टी ई के का निकालना था। तो बहुत आसान था, देखो बहुत आसान था, कैसे करना था बच्चा, कैसे करना था समझना। पी आई जी लिखा हुआ था और नंबरिंग का डालो, जे सी और ए नंबरिंग कर लोगे तो कहानी इजी है बच्चा। यहाँ पर लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 4। बेटा अंतर 6 का, बेटा डिफरेंस यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर बेटा 3 का। नहीं, यहाँ पर तो वन है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का बच्चा, 6 का। क्लियर है भाई, तो सब में डिफरेंस 6 का और माइनस में है, क्या है माइनस में है। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। ई लिखा हुआ है, उसके बाद के लिखा है, के का मतलब क्या होता है बच्चा, 11 में से अगर हम 7-6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 11 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 4 4 4 4 4 5। तो एन और ई ऑप्शन नंबर 2, एन और ई ऑप्शन नंबर 2 में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब कि ई में से मतलब 5 में हो, 5 को ना लिखे दिखेंगे कितना, 31 में से 6 घटाएंगे 25 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहां पर जब घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, वाई आएगा, इसका मतलब क्या आएगा भाई, एन वाई ई विल बी आर राइट आंसर होने वाला है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला सा क्वेश्चन बनाइए। आपके लिए टाइमर मैं फिर से लगा रहा हूं 30 सेकंड का, सभी बच्चे फटाफट बनाएंगे जल्दी से बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे हमारे, 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास, इसका भी बनाओ जल्दी से बनाओ सभी लोग फटाफट बिल्कुल स्पीड में। चलिए तो बनाइए फटाफट सभी बच्चे, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बहुआ टाइप का, बना दो जल्दी से बनाए सारे बच्चे फटाफट। जल्दी बनाएंगे सभी बच्चे फटाफट, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता और बहुत तेज बजती है। 1 2 3 4 5 हटाओ, 20 ही लेटर होंगे आई थिंक, यहाँ पर गिन लेते हैं यार, 20 ज्यादातर आते ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल सही लगा मैंने कि बेटा 20 लेटर ही आते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 20 का कॉम्बो बनेगा ना आपका। चलो भाई 20 वाले में 5 5 का कॉम्बो हमने लेकर सेलेक्ट करके बनाया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर के है, यहाँ पर के दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी के हो जाएगा और यहाँ पर भी के फिल कर देंगे। क्लियर है बच्चा, के यहाँ पर भी हम फिल कर देंगे। चलो अगले पे देखते हैं, आगे देखा हमने यहाँ पर बेटा सी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, जरा ध्यान से देखो। वो बोलते ना चैन से सोना है तो जाग जाओ, कहानी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पर जी। तो हमारे ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है, ए
के आई के जे ढूंढना, ये ढूंढ लो जहां पर दिख जाए वही हमारा सही आंसर बन जाएगा, जहां पर ये दिख जाए यही हमारा आंसर बन जाएगा, ए के आई के जे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट फर्स्ट विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का, बनाओ सभी बच्चे बनाएंगे नंबर सीरीज का, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट फ्रेम करिए भाई, सिर्फ चार बच्चे लाइव दिखाई पड़ रहे हैं आज, बाकी सारे हैं कहां, छुट्टी उट्टी पर गए हुए हैं क्या, कोई एग्जाम देने गए हुए हैं, कोई एग्जाम स्टार्ट हो गया है क्या, सारे बच्चे बता दें फटाफट जल्दी से, और अगर एग्जाम देने गए हैं तो कोई बात नहीं, चलो भाई टाइमर आपके सामने फिर से लगा दूंगा मैं 30 सेकेंड का, बनाओ जल्दी से बनाओ सारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एसएससी फाउंडेशन बच्चे ने लगा दिया है, चलो जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट जल्दी से, सभी बच्चे फटाफट बनाएंगे भाई, और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी सी क्लास लाने के मूड में है, वो आने वाली है। 17 यहाँ लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर लिखा है 35, यहाँ पर लिखा है 57, यहाँ पर लिखा है 77 और यहाँ 107, जल्दी बनाओ भाई फटाफट जल्दी से बनाओ सारे बच्चे फटाफट, कोई आंसर नहीं दिया अभी तक भाई, कमेंट में आंसर आने चाहिए आप सभी के, हाँ जी कमेंट में टाइम अप होने वाला है भाई, समय आपका हो गया है समाप्त, यहाँ पर यहाँ से देखा जाएगा तो कितने का अंतर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको कितने का, 30 का, 30 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हम जब देखने जा रहे हैं तो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा और यहां पर 2, तो ये 24 का अंतर दिखाई पड़ा बेटा, यहां पर देख लेते कितने का दिखाई पड़ रहा, यहां पर लिखा है 13 और यहां पर 13 लिखा है, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, इसका मतलब ये 18 हो जाएगा, यहां से यहां पर जाइए, यहां से यहां जाइए, यहां पर बेटा 6 का अंतर दिखाई पड़ रहा है, यहां पर भी 6 का अंतर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर 12 आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो यहां पर भी 6 का अंतर हो जाएगा और यहां पर भी 6 का आ जाएगा, इसका मतलब 6 जोड़ना है, तो 17 में 6 जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 17 में बेटा 6 जोड़ेंगे हमारे पास तो आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा 23, क्या निकल कर आ जाएगा 23, और जब 23 निकल कर आएगा तो वही हमारा आंसर है, 23 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये जल्दी से बनाएंगे भाई, कलर बढ़िया हो गया है, अब तो कलर पिंक दिखाई पड़ रहा है, अब तो कलर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, पिंक दिखाई पड़ रहा होगा, चलो बनाओ अलग ही कलर हो गया है, बनाइए सारे बच्चे फटाफट जल्दी से, 23 आंसर आएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अभय कह रहे हैं, अभय लिखा क्या लिखा, अभय पंजाबी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे राम राम, फटाफट जल्दी से बनाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने लगा रखा है, फटाक से बनाइए सभी लोग, बिल्कुल ओ लो भाई टाइमर तो चालू ही नहीं हुआ, टाइमर तो चालू ही नहीं हुआ, लो तो टाइमर तो चालू ही नहीं हुआ था, हमें लगता है अब टाइमर का मतलब भी नहीं रह जाएगा, अब टाइमर का मतलब भी नहीं रह जाएगा, फिर भी आप सभी बनाना चाहें तो फटाफट बना दे, आई थिंक आप तो सब कुछ डार्क डार्क दिखाई भी पड़ रहा हो, तो लिखा क्या है भाई, देखो रिलेशन आपको देखना है, हाउ एन इज रिलेटेड टू एफ, एन का एफ से क्या संबंध है बच्चा, एन का F से क्या संबंध है, N यहां पर है, F यहां पर है, बस इतने को फ्रेम करना, बस इतने को फ्रेम करना, स्मार्ट अप्रोच के साथ खेलना, बाकी बेवकूफी मत करना बच्चा, ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर, N के बाद एट द रेट का मतलब क्या लिखा है, डॉट कर, चलो भाई समझ हो चुका है, हम लोग बनाते हैं अब इसको, N एट द रेट का मतलब लिखा है क्या, डॉटर, जो बेटा N है वो क्या है, डॉटर है, डॉटर मतलब लड़की है, N जो है वो बेटा डॉटर है, किसकी डॉटर है, एन जो है वो डॉटर है किसकी, एच की, एन जो है वो डॉटर है बेटा एच की, और एंड का मतलब लिखा हस्बैंड, तो एच जो है बच्चा वो क्या है, पति जी है किसके, भाई के, तो ये हो गए परमेश्वर, तो ये हो गई बॉक्स के अंदर, फिर लिखा है एट द रेट का मतलब दोबारा से लिखा है, तो वो डॉटर हो गई, तो वाई जो है वो डॉटर है किसकी, एफ, चलो ठीक है, वो बोल रहा है कि हाउ हाउ एन इज रिलेटेड टू एफ, एन का एफ से क्या संबंध है, एन का एफ से क्या संबंध है, तो डॉटर्स डॉटर है बेटा, वो क्या है, लड़की की लड़की है बच्चा, डॉटर्स डॉटर विल बी आ राइट आंसर हो जाने वाला है बच्चा, बी नहीं होगा, डॉटर नहीं होगा, लड़की की लड़की हो जाएगी वो, चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, बढ़िया सा एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग अपने लिए और ये वाला बनाइए, देख लेना भाई ऑप्शन सारे सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही सर जी, ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं अभी तक। तो फिलहाल हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे और सर जी बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे और भाई सेशन को एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। हाँ जी, सेशन को एक बार आप सभी शेयर करेंगे और बताएंगे सेशन कैसा लगता है आपको। कल मैं देख रहा था कि हमारे कई सारे बच्चे थे, लगभग 40-45 बच्चे भी देख रहे थे, आज हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे देख रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? अरे 10 वालों थोड़ा सा बदल लो, ध्यान से देखो बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको रोटेशन का पॉलिसी को यूज करना पड़ेगा। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी को हमें यूज करना पड़ेगा। तो बच्चा देखो अब जो रोटेशन में क्या देखना, ध्यान से देखना, ये देखो और ये देखो, फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो और उसी का रिलेशन फिफ्थ में आएगा, उसी का रिलेशन फिफ्थ में आएगा। देखो बच्चा ये पूरा पूरा ऊपर जा रहा है, ये पूरा पूरा नीचे जा रहा है, ये पूरा पूरा ऊपर जा रहा है, ये पूरा पूरा नीचे जा रहा है। अगर हम इसको दोबारा से लेकर जाएंगे, अगर हम इस कहानी को दोबारा से लेकर जाएंगे बेटा, तो इसी को ही तो लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, इसी को लेकर जाएंगे ना हम सब। जल्दी से बताओ सभी बच्चे फटाफट, कोई आंसर नहीं दे रहा भाई, सभी लोग आंसर दे फटाफट जल्दी से। अरे भाई आंसर कोई देगा? अभी तक आंसर नहीं दे रहे भाई, लगता है वॉइस ही नहीं आ रही। बी आंसर दे रहे हैं, अब चलो एक बच्चे ने हमारे कहा बी, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि देखो पहला वाला और तीसरा वाला हो गया तो फिर से यही वाली पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो बच्चा दूसरा विल बी राइट आंसर, सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया सा ये भी एक क्वेश्चन है, जानदार सा शानदार सा क्वेश्चन है, बना दे बराबर सीरीज का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनाओ। बच्चा लोग सेशन को जरा शेयर यार किया करो यार, बहुत सारे कम बच्चे हमको अब दिखाई पड़ने लगे हैं हमारे एसएससी वर्टिकल पे, बहुत से कम बच्चे हमारे दिन पर दिन आते जा हो गए हैं। बेटा ट्रस्ट करो, सर लोगों पर भरोसा करो, हम जरूर आपको कराएंगे, आप आइए तो सही। वो कहते हैं ना, आप आइए तो सही, फिर हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे भी। टेंशन क्यों ले रहे हो, आप आओगे तो ही आपको हम रिजल्ट दिखा पाएंगे, आप आ ही नहीं रहे हो तो हम रिजल्ट कहां से दिखा सकते, ठीक है भाई? आप आ ही नहीं रहे हो तो हम आपको रिजल्ट कहां से दिखा पाएंगे भाई, जल्दी से बताओ। आप आइए तो सही, एटलीस्ट कम से कम 23 यहां लिखा है, यहां पर 26 लिखा है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, तो अगला लेटर क्या आ जाएगा बेटा, 9 आएगा। 9 का मतलब हो जाएगा बच्चा आई, तो सब में लिखा है आई मेरे भाई, आई तो सब में लिखा है मेरे भाई, तो आई यही रहने दो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है जेड, यहां पर है एम, यहां पर है वी, यहां पर यू, यहां से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते थे, बन भी गया। यहां पर लिखा है 7, यहां पर लिखा है 4, यहां पर लिखा है 1, यहां लिखा है 24, मतलब सब में माइनस करना है तो 24 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 21 आ जाएगा, 21 का मतलब यूज, तो आई यू विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चा आंसर। देखिए भाई एक चीज कहते हैं ना कि अगर आप आएंगे ना तो आपको उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे थॉट लिखा है, पढ़ना आसान नहीं है लेकिन आसान काम करने वालों के हक में बस क्या आ जाता है, बस बंजर जमीन है आसमान नहीं है। समझ में आया ना, आसान काम करने वालों के हाथ में सिर्फ क्या मिलता है बेटा, बंजर जमीन मिलती है, आसमान नहीं मिलता। आप अपनी जिंदगी को तो जी सकते हैं, आज कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आप, आज कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जिंदगी को तो काट सकते हैं पर जिंदगी जी नहीं सकते, ठीक है ना भाई? तो जीना हो ना तो भाई काटने वाली लाइफ नहीं चाहिए, जीने वाली चाहिए, जीने वाली लाइफ चाहिए। एक डाइस का क्वेश्चन है बनाए, जीने वाली लाइफ अगर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए आना पड़ेगा, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। देखो भाई मैं मानता हूं कि आप सबने पुराने टीचर्स को बहुत अच्छा टाइम भी दिया है और पढ़ा भी है और सिलेक्शन बच्चों ने ही पाया, अगर आप हम लोगों को फिर भरोसा करें ना तो आपका भी रिजल्ट आएगा बेटा। भरोसा करिए टीचर्स पर और रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, रोज रोज इधर से उधर भागने से सिलेक्शन नहीं होता। मैं हमेशा हर बच्चे से अपना एक ही चीज कहता हूं कि देखो
रोज एक दिन मतलब रोज रोज सिलेक्शन नहीं होता पर एक दिन सिलेक्शन जरूर होता है, ठीक है, सिलेक्शन एक दिन जरूर होता है, आप मेहनत करते रहिए सिलेक्शन पा लेंगे। बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है डाइस का, बहुत ही सिंपल और बहुआ टाइप का क्वेश्चन था। इसमें आपने क्या कहा इसने कि बच्चा कॉमन देख लो, तो देखो यहाँ पर बी और एक्स और बी और एक्स यहाँ दोनों ही कॉमन थे, जब दो कॉमन निकल गए तो बचा क्या, क्या बचा भैया डब्ल्यू का अपोजिट में क्या बचेगा, वाई बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा मेरे भाई, वाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले एक और बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको बनाते हैं सभी बच्चे फटाफट बनाएंगे। कहां गया क्वेश्चन हमारे पास था एक ये वाला कहां चला गया भाई, ये एक क्वेश्चन एक और है सीरीज का, छोटी सी सीरीज है, ध्यान से बनाना बच्चा, ध्यान से बनाइए, देखिए अगर आप एक बार मेहनत कर ले जाएंगे सिलेक्शन पा लेंगे हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल मेहनती है। अब ये बच्चों की वॉचिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, आप ट्रस्ट करिए आपको सिलेक्शन मिलेगा, फिर से एग्जाम पर परिवार आपको एक बार फिर से थोड़ा सा भरोसा करिए, वो आपको रिजल्ट निकाल कर देगा, जो है वो ही निकाल कर देंगे, आप टेंशन ना लो, बस आप पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ते रहो, ठीक है ना भाई, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, काम आपका बनेगा जरूर, इसकी गारंटी है। कैसे सर, कौन सा वाला पूछा बच्चा, कैसे सर, कैसे सर बता देते हैं बच्चा, जो भी पूछ रहे क्वेश्चन नंबर बता देना कौन सा पूछा, ठीक है भाई, बी डब्ल्यू वाई, बी डब्ल्यू वाई, चलो ये भी अच्छा, मतलब डाइस पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बाद हम बता देंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम डाइस का कॉन्सेप्ट पूरा बता देंगे, आप टेंशन ना ले। देखो बच्चा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पांच, यहाँ पर लिखा है ग्यारह, यहाँ पर लिखा है सत्रह, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो छह का अंतर है, तो अगले पर भी हमें छह को लेकर जाना होगा, है ना भाई, तो सत्रह छह कितना हो जाएगा, सत्रह में छह जोड़ेंगे तेईस हो जाएगा, तेईस का मतलब आ जाएगा डब्ल्यू, तेईस का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, हमारा पहला ही ऑप्शन होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, फर्स्ट विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, एक बच्चे ने हमसे बोला कि सर वो डाइस का क्वेश्चन उसको उड़ गया है, तो हम उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे अगर हमारे पूछेंगे तो हम रिपीट तो जरूर करेंगे भाई। चलिए तो आ जाते हैं हम सभी, यहाँ कहीं था वो, ये था जैसे ये क्वेश्चन था बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जब जब डाइस की दो सतह कॉमन हो, जब डाइस की दो सतह कॉमन है यहाँ पर, तो बेटा जो बचा हुआ होता ना, जो बचा हुआ था वही अपोजिट होता है, डाइस में जब दो सतह कॉमन हो तो जो बचा रहता है वही आंसर हो जाता है, अगर एक सतह कॉमन हो तो वहां पर हमें देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फिर वहां पर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पड़ा है, मतलब क्या बनेगा, और उसे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज के दिशा में हमें घुमाना पड़ता है। चलिए तो फिर चलते हैं, मगलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बढ़िया से एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं, और जो हमने ढूंढ रखा है वो है ये पेपर, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सारे के सारे हमारे स्मार्ट बॉयज है बना देंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, और भाई 12-13 लोग लाइव हो यार, आंसर दे दिया करो यार भाई, शिवय शिवे शिवय का आंसर आ गया, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे भाई, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बाकी सारे हमारे स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहे, ये मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा भैया आंसर दे दो, सभी बच्चे हमारे फटाफट जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बच्चों टाइप का बउआ वाला क्वेश्चन है, पेपर को फोल्ड करना है, पहले पेपर को इधर को फोल्ड करिए, फिर नीचे को फोल्ड करिए, और जैसे ही हम इसको ऊपर को ओपन करेंगे, जैसे ही हम इसको ऊपर को ओपन करेंगे ना, तो भाई ये गोला उठ के यहाँ चला जाएगा, गोला उठ के यहाँ चला जाएगा, इधर जब जाएंगे तो ये गोला इधर और ये गोला इधर आ जाएगा, तो भाई इसको ऐसे जाएंगे और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, सेम एज इट इज, जब इधर जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये वाले को ऐसे, इसका मतलब कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर गोलों की पोजीशन गलत है, यहाँ पर भी गोलों की पोजीशन गलत है, और यहाँ पर भी चारों एज इट इज ऊपर नीचे कर दिए, इसका भी गलत है, ऑप्शन नंबर फोर आएगा, फोर हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, चौथा वाला हमारा सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए और फटाफट जल्दी से बनाएंगे, स्लॉक का बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे सभी बच्चे, फटाफट जल्दी से बनाएंगे, स्लॉक का एक बेहतरीन शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे फटाफट एक बार सेशन को शेयर करो,
चलो बच्चा बनाओ बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और है देखो भाई बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आपका पता है सीजीएल का ही पेपर है और जो अभी अभी हुआ है उसके क्वेश्चन सही है आपके सामने। आप सोच नहीं सकते कि हम लोग कितने अपडेटेड क्वेश्चन को आपको रखते हैं, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का है बेटा, हाँ जो अभी सीजीएल के एग्जाम हो रहे हैं ना उसके क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जुलाई और अगस्त के जो सीजीएल एग्जाम्स हुए ना जुलाई और अगस्त में ये उनके क्वेश्चन हो रहे हैं बताइए। अब आप समझिए कि दो महीने पहले एक महीने पहले पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, अब क्या इससे लेटेस्ट लाकर रखूंगा, अब इससे लेटेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना बच्चा डेटा में। चलो देखते हैं, लिखा है ऑल राइस आर बीट। जिन बच्चों ने मेरी संडे वाली क्लास नहीं देखी है वो सारे देख लेना भैया, मेंस के एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो पिछले बार, क्योंकि सीजीएल ने मेंस सिर्फ एक बार कराया था और उसी का मेंस मैंने दिया है आपको, वो सारे क्वेश्चन थे उसमें। ऑल बीट आर पल्सेस, फिर लिखा है नो पल्सेस इज अ वेजिटेबल। चलो क्या लिखा है, सम वेजिटेबल्स आर राइस, कुछ वेजिटेबल क्या हो जाएंगे, राइस हो जाएंगे, बात तो मानते हैं सही। गलत है भाई। वेजिटेबल और राइस में तो कोई संबंध नहीं है, तो गलत है। फिर लिखा है सम पल्सेस आर राइस, कुछ पल्सेस राइस, पल्सेस और राइस में भी कोई संबंध नहीं, गलत है। फिर लिखा कुछ वेजिटेबल जो है वो वीट्स है, तो ये भी गलत है। तो बेटा क्या आ जाएगा, नन फॉलो नन ऑफ द फॉलो, नाइदर वन एंड टू आर थ्री आर फॉलो। चलो ये वाला बनाते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स इसको भी। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आपके एसएससी में बिल्कुल रखा रहता है, मिरर इमेज में एक क्वेश्चन आपका रखा रहता है, नन ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलो, ए आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हाँ जी बनाए, जल्दी से बनाए, ओके सर ठीक है। अब बच्चा चलो अब आता है मिरर की कहानी, मिरर की कहानी आलोक सर की जुबानी सुन लीजिए, इसमें क्या है कहानी में, मिरर में बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जो लेटर्स होते हैं वो अगर एज इट इज आपको दे दिए जाते हैं तो वो गलत चेंज हो जाते हैं, मतलब वो गलत कहलाता है। अब हमने लेटर्स को ढूंढना स्टार्ट किया, कोई ऐसा चीज जो हमें सेम एज इट इज मिल गया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे पहला ही लेटर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एच लिखा था और यहाँ पर जो एच लिखा था वो सेम लिखा था, इसका मतलब ही गलत है। दूसरे लेटर पर जैसे हम आगे मूव करके जाते हैं तो एच की पोजिशन को इन्होंने उल्टा कर दिया, बेटा एच की पोजिशन उल्टी नहीं जा सकती, तो ये भी गलत हो गया ना बच्चा, ऊपर नीचे कैसे हो सकता है। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री में देखा तो एच तो कॉमन था, बट जैसे हमने फोर पर नजर मारी तो यहाँ पर टू और एज इट इज टू लिखा हुआ, टू एज इट इज टू लिखा था, तो ये भी गलत और ऑप्शन नंबर थ्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ऑल मशीन्स आर फैक्ट्री। चलिए बनाइए, सारे बच्चे बनाएंगे, सिलोगिज्म का अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बनाएंगे जल्दी। बच्चा मैं एक एक क्वेश्चन की चीज बता देता हूँ कि गलत कैसे है, याद रखना गलत कैसे है, मैं ये तक बता देता हूँ आपको, सही तो छोड़ दो सही की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर एग्जाम में आप गलत ढूंढना सीख गए हैं ना तो सही ढूंढ ले जाएंगे, अभय कह रहे हैं गलत है सर, देखो कौन सा गलत है भाई, अब मैंने कहा कि सर गलत है जरा एक बार देख लो, तो बच्चा देख ही लेते हैं, अगर आपने कहा है तो गलत कैसे आपको दिख रहा। बेटा एक बात बताओ, देखो टू एज इट इज यहाँ पर जो लिखा है वही लिखा है ना, जब ये टू सेम दिख रहा है, अब यहाँ पर इसकी कहानी देखो, H8 और टी और आर और के, बिल्कुल सही है बच्चा, थर्ड वाला सही है, आप क्या गलत कह रहे हो बार बार, तीसरा वाला हमारा सही है, गलत थोड़ा सा बच्चा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा इसलिए लग रहा है। ऑल मशीन्स आर फैक्ट्री, सारी की सारी मशीन जो है बच्चा वो क्या है, फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल सही लिखा है। सम फैक्ट्रीज आर शॉप, कुछ फैक्ट्रीज क्या है बेटा, शॉप है, और कुछ शॉप क्या है बच्चा, हाउस है। लिखा है बच्चा सम हाउस आर फैक्ट्री, हाउस और फैक्ट्री में कोई संबंध नहीं हटा दो, लिखा है सम मशीन्स आर हाउस, कुछ मशीन और हाउस में भी कोई संबंध नहीं हटा दो, लिखा है सम फैक्ट्रीज आर मशीन, कुछ फैक्ट्रीज जो है बेटा वो मशीन हो सकती है, ये बात तो सही कह रहा है, ओनली थर्ड विल बी अ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ओनली थर्ड विल बी अ राइट होगा ऑप्शन नंबर
फोर होगा। नो सर राइट है, हाँ बेटा राइट है, मुझे पता है, वो बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने उसको बता दिया। चलिए हाँ जी बच्चा लोग, तो ये वाला जो बैच है एसएससी फाउंड क्या कहता हूँ एसएससी कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा कॉम्बो निकल कर आया है जो आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, ना कि सिर्फ एसएससी को, ठीक है ना। तो आप इसको अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो 149 में मिल जाएगा आपको, इंडिविजुअली अगर आपको पढ़ना है तो 149 में मिलेगा, और बाकी अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो 299 में तीनों कॉम्बो मिल जाएगा। तो आप सभी इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। लिखा है बच्चा क्या लिखा है, अटैक का लिखा है बच्चा, उन्होंने क्या लिखा है डिफेंस। चलिए तो बेटा आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट का क्या होगा, फटाफट सभी बच्चे हमारे बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स, फटाफट इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में बिना रुके हुए, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है भाई। हाँ जी, जो संबंध अटैक का डिफेंस दिखाई पड़ रहा है वही संबंध आपको देखना है किसका, एक्सेप्ट का। तो भाई अटैक का मतलब होता है किसी चीज पे अटैक करना, और डिफेंस का मतलब होता क्या है, उससे बचना। अटैक का मतलब होता है किसी चीज पे हमला करना, और डिफेंस का मतलब होता है उससे बचना। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सर अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो बच्चा अगला वर्ड लिखा है एक्सेप्ट, अगला वर्ड लिखा है बच्चा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा रिफ्यूज, क्यों, क्योंकि किसी चीज को स्वीकार करना लिखा, और स्वीकार करने का मतलब क्या होता है इनकार करना, उल्टा क्या हो जाएगा इनकार करना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया सा एक जानदार शानदार सा क्वेश्चन है, बनाए सारे बच्चे हमारे, अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया सा है भैया। हाँ जी, एंटोनिम एंटोनिम सिनोनिम्स वाला कहानी है, वेरी गुड। फ्रेंच लिखा हुआ है एफ आर ई एन सी एच, फ्रेंच लिखा हुआ है, फ्रेंच का कोड क्या लिखा हुआ है जी क्यू एफ एम डी सी और डी। बेटा ध्यान से देखना कहीं प्लस वन प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा होगा, क्योंकि मुझको प्लस और माइनस ही समझ में आ रहा है। तो बच्चा क्या लिखा है एफ आर ई एन सी एच लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा है बेटा जी जी क्यू एफ एम डी और जी। भाई यहां पर लिखा है क्या आठ, ये है बेटा आठ, ये है सात, ये है तीन, ये है चार, समझ में आ रहा ना। यहां पर ही, यहां पर माइनस दिखाई पड़ रहा है, यहां पर प्लस दिखाई पड़ रहा है, यहां पर है चौदह, यहां पर है तेरह, यहां पर है छह, यहां पर है सात, इनके बीच का अंतर क्या जाएगा प्लस का वन, यहां पर है अठारह, यहां पर है सत्रह, यहां पर अंतर आ जाएगा माइनस का वन। प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और प्लस माइनस में क्या करना है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ए में अगर हम जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, आर में हमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आर होता है अठारह क्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा, बी क्यू सब में दिया है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बी आएगा तो ऑप्शन नंबर फोर घट जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो अगले बार क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ए आते ही हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री घट जाएगा, अगले बार बढ़ेंगे आई, आई का मतलब क्या लिखा है आई में बढ़ाना पड़ेगा तो जे हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, सेकेंड विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई कोई और है आंसर देने वाला, कोई और बच्चा है हमारा आंसर देने वाला, जल्दी से बता दे। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ गए हैं, फटाफट बनाए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं सभी बच्चे, बनाएंगे फटाफट जल्दी से, प्लस वन एंड माइनस वन का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, बिल्कुल सही कह रहे थे आप सभी, बिल्कुल सही कह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, लिखा है ए बी के पी सी, तो बच्चा इसका भी देखो लेटर काउंट कर लेना कितने का गैप आ रहा है, फिर उसी हिसाब से करना बच्चा, यहां पर जो हमें गैप दिखाई पड़ रहा होगा वो ध्यान से देख लेना होगा, पहले कितने लेटर हैं ये काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस का मतलब फिर से वही कहानी, पांच पांच की जुबानी, पांच पांच की जुबानी, एक दो तीन चार पांच हटाओ, एक दो तीन चार पांच हटाओ, एक दो तीन चार पांच हटाओ, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से अगर आप इस चीज को देखें तो बहुत आसान भी था। एक चीज आपने नोटिस करी होगी तो बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी, बी यहां पर भी, और सेकेंड प्लेस पर बी है, तो इसका मतलब यहां बी आएगा,
सेकेंड प्लेस पर भी है, इसका मतलब कि दूसरे नंबर पर भी आएगा, टिक मारो निकल लो, ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। यहां पर का एच का एच आ जाएगा और यहां पर आएंगे तो के का के आ जाएगा और लास्ट वाले में पी आ जाएगा बेटा, क्लियर है। चलो अगले पर चलते हैं। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज पर आ रहा है, ध्यान से बनाना। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज है और ध्यान से बनाइएगा सारे बच्चे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए। मैं इसमें टाइमर दूंगा 30 सेकंड, क्योंकि नंबर सीरीज में टाइमर मिलना जरूरी होता है, तो नंबर सीरीज आपको फ्रेम करनी है। चलिए बनाइए नंबर सीरीज को, 30 सेकंड आपके पास है, 35, 34, 33 जल्दी से बनाए सभी बच्चे, फटाफट गिनती शुरू हो चुकी है तो फटाफट जल्दी से बनाइए। चलो देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से खेलने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। यहां से यहां पे कितने का अंतर दिख रहा है जरा ध्यान से देखो, इनके बीच में 37 का अंतर दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर हम देखने जाएंगे तो यहां पर भी 9 गया, यहां पर भी 7 बचा और यहां पर भी 37। जब यहां पर भी 37, यहां पर भी 37 ही दिख रहा है, तो अगला लेटर भी आपका 37 होगा, तो 37 को 27 में ऐड कर दो, 27 में 37 ऐड कर दो, 7 × 14 होगा, कैरी आएगा 1 और 64, तो बेटा क्या आ जाएगा, 64 विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार जानदार सा आंसर दिया आप सभी ने, मजा भाई देखकर मजा आ गया भाई, आप लोगों ने आंसर अच्छा दिया, आंसर आपने अच्छा दिया है, बढ़िया से दिया है, ओह बढ़िया से आंसर दिया है। चलिए अगला वाला बनाइए फटाफट, जल्दी से अगला वाला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। जल्दी से बनाएंगे भाई आंसर फटाफट, सभी बच्चे हमारे जल्दी से समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट बनाएंगे जल्दी जल्दी। 12 चलो भाई बनाओ, बढ़िया सा है, बनाइए फटाफट जल्दी से, किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है भाई। इंटरचेंज करना था इन वैल्यूज में, किसको भी किसको इंटरचेंज कर दे, और वैल्यू और सिंबल दोनों इंटरचेंज करना है, और ध्यान रखना यहाँ पर करेक्ट वाली बतानी है, क्या बतानी है, करेक्ट वाली बतानी है। एक बच्चे ने हमारे कहा कि सेकेंड आंसर आएगा, भाई चेक कर लेते हैं, अगर वो सेकेंड कह रहा है तो उसका ये कहना है सर यहाँ 30 कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए 20 कर दीजिए, चलिए कर दिया, और प्लस यहाँ और डिवाइड यहाँ, तो डिवाइड यहां पर डिवाइड कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए बेटा प्लस कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, यहां पर लिखा है 512 और मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 50 इज इक्वल टू, बेटा एक बात बताओ जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और कहां से डिनोमिनेटर सेम कर पाओगे, अरे डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर में पड़ोगे तो राम राम कर दोगे बच्चा, गलत हो जाएगा, का मतलब ये वाला गलत है, सेकेंड वाला तो कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना भाई, हाँ जी सेकेंड वाला तो हमारा नहीं बन सकता। चलो थर्ड वाले को देख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या 50, यहां पर लिख देते हैं 50 जगह पर 20, मल्टीप्लाई जगह पर लिख देते हैं डिवाइड, और डिवाइड जगह पर लिख देते हैं क्या मल्टीप्लाई, चाइल्ड में भी कहानी बन जाए, यहां पर हो गया 512 और यहां हो गया 64, अगर हम देखेंगे तो कट जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे ये कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 बार जाएगा, और 8 × 5 करेंगे और प्लस का 30 करेंगे माइनस का 20, देखो इनको करेंगे आएगा 40 प्लस 30 माइनस 20 करना है, हाँ जाएगा 70 माइनस 20 करना है बेटा 50 आएगा आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चा अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए, सभी लोग बनाएंगे फटाफट जल्दी से, अगला क्वेश्चन ये वाला बनाएंगे सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे फटाफट जल्दी 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 बनाएंगे फटाफट, बढ़िया सा क्वेश्चन है जल्दी बनाओ। सी राइट है, बी नहीं होगा, सी राइट है, सी राइट है, बिल्कुल सही बच्चा, सी विल बी अ राइट आंसर।
एक बच्चे का कस्टर था बेटा बी, तो हमने उसको भी चेक करा दिया। भाई आप गलत आंसर देंगे तो हम गलत को भी चेक करा देंगे, क्योंकि हमें तो सही निकालना है ना बेटा। हाँ जी, तो गलत भी तो चेक करना पड़ता है। चलो इसको डिवाइड, इसको देखो जो 12 और 7 का रिलेशन होगा किसके साथ, 1718। तो बच्चे अगर आप इसको ध्यान से करते तो आप ऐसे ही फोड़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ज्यादा नहीं था क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं था बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 12 और 7 में जो संबंध आएगा उसको आना चाहिए। तो बेटा 12 का अगर हम देखें स्क्वायर क्यूब, क्योंकि जब हम बच्चा स्क्वायर पर जाते हैं तो पास में नहीं भटक पाएंगे, है ना बच्चा। तो ये आ जाएगा क्या 1728, और जब इसका हम क्यूब करेंगे तो आएगा क्या आएगा 343। दोनों को उड़ा दो, यहां पर करा 5 आया, यहां पर करा 8 आया, और यहां पर कितना आएगा 13 आएगा, 1385 आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बना देगा, भाई फॉर्मेट हमने बता दिया है, कहानी आप बता दो। बच्चे ने हमारे, कौन है भाई ये शिवान, शिवान ने क्या नाम है इसका, जो भी है बढ़िया है बेटा, बेहतरीन स्टूडेंट है बच्चा, वेरी गुड। चलो तो बेटा आते हैं अगले, देखते हैं। बच्चे ने कहा हमारा कि सर 21, 16 और ये वाला आंसर होगा। तो बेटा चेक कर लो भाई, 21 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी का क्यूब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे भाई 21 का क्यूब क्या होता है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता नहीं, आप करके बताइए जल्दी से, 21 का क्यूब क्या होगा, 21 का क्यूब होगा हमारे पास 96 करके आना चाहिए ना कुछ, 9261 आएगा 21 का क्यूब। चलो ठीक है, अगला लेटर दिया है बच्चा 16, 16 का क्यूब क्या होगा, याद नहीं है मेरे को भाई 16 का क्यूब क्या होगा, जल्दी से एक बार निकाल दो भाई, 16 इंटू 16 तो 4096 आएगा, 4096 आएगा बच्चा। और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर करेंगे तो 15 में से जाएगा तो 6 जाएगा, तो कितना आएगा 6 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर होगा, वेरी गुड बच्चा, बेहतरीन बेहतरीन। अरे वाह, हमारे SSC के बच्चे में अंदर एक खासियत है, वो सब रट्टा मार कर आता है, उसने याद करके रखी चीजें, उसने याद करके रखी है चीजें, ये चीजें अच्छी लगती है। चलिए इसका मिरर इमेज बताइए, इसका मिरर इमेज बताओ फटाफट, जल्दी से बनाए भाई सभी लोग, फटाफट बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं भाई। डी कुछ बच्चों ने हमारे कहा डी, वो बिल्कुल सही खेले, डी वाले हमारे सही खेले बच्चा, इसमें तो कुछ बताने वाला था ही नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा बताने वाला हमको दिखा ही नहीं जिसको हमें बताना पड़े आप सभी को, कि आप ना कर पाए। चलो मिरर इमेज का बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 मिरर इमेज एक और बताओ, जल्दी से बताओ मिरर इमेज का एक और क्वेश्चन है, फटाफट बताओ सभी लोग। हाँ जी, मिरर इमेज का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बनाओ सभी लोग, कौन बनाएगा भाई मिरर इमेज का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बनाएं सभी लोग बढ़िया सा मिरर इमेज का क्वेश्चन बनाओ। अतुल कह रहे हैं सर डी हो जाएगा, अरे बाबा बेटा, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, मिरर राइट साइड में रखा है इस तरह, ध्यान से पढ़ लिया करो, मिरर कहाँ रखा है उस तरफ रखा है ना, तो जो पास में होगा वो पास में ही रह जाएगा यार, पास में क्या आ रहा है ये वाला हिस्सा आ रहा ना, तो बेटा कहाँ लगा रहे हो, ये देखो ऊपर बना दिया है काफी ज्यादा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ये तो वैसे भी नहीं था, ये तो वैसे भी नहीं था। सेकेंड आंसर आएगा, सेकेंड विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, दूसरा हमारा सही आंसर होगा, दूसरा हमारा सही आंसर होगा। क्या खेल रहे हो आप सभी, मजा नहीं आ रहा भाई खेल रहे हो तो। चलो ये वाला एक क्वेश्चन बनाओ, 25 नंबर क्वेश्चन बनाओ सभी लोग, 25 नंबर क्वेश्चन बनाओ। अच्छा ये बताओ, इतने ये फ्लो में भागते क्यों रहते हो, फ्लो में क्यों भागते रहते हो, तो है हर थोड़ी थोड़ी देर में आप फ्लो में भागना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, आओगे झट से भाग जाओगे, आओगे झट से भाग जाओगे, ऐसे थोड़ी ना करते बच्चा। देखो बेटा इसका आंसर कोई देगा क्या, इसका आंसर कोई देगा क्या,
जल्दी से बताओ भाई, कोई आंसर देगा? बहुत हलवा है ये, अरे बहुत ही हलवा था यार, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे, एक्स्ट्रा लगाओगे तो कम गलत कर दोगे। बच्चा यहाँ पर तीन लेटर है और यहाँ लिखा है 27, यहाँ पांच लेटर है, यहाँ लिखा है 125, तो बच्चा चार लेटर में क्या आता है भाई, चार का क्यूब कर देंगे 64 आंसर, चार का क्यूब कर देंगे 64 आंसर आ जाएगा हमारा। चल आ जाए, कॉस सीरीज का क्वेश्चन है ये वाला, बनाओ, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इसलिए मैंने आपको इस पे टाइमर दिया, जल्दी से बनाए सारे बच्चे हमारे, फटाफट जल्दी से बनाए, अगला एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बनाए, ठीक है भाई? हाँ 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 बिल्कुल सही है बेटा, इसको बनाइए, एक बच्चे ने कहा सर 1440 आंसर होगा, मतलब आपने 30 सेकंड के अंदर ही आंसर को निकाल दिया है, आपने 30 सेकंड के अंदर ही आंसर को निकाल दिया है। अब अगले क्वेश्चनों के लिए मैं टाइमर अब आपका रखूंगा 30 सेकंड का, 30 सेकंड के आसपास का। बच्चा देखो यहाँ पर बढ़िया था, बेहतरीन था, यहां से यहां मल्टीप्लाई में 2 दिखाई पड़ रहा है, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यहां पर 3 दिख रहा है, यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पर 5 दिख रहा है, तो अगले में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 × 24 होगा, कैरी आएगा 1 और 6 × 12 और 2 12 और 2 14, तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आंसर आपका, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कुछ और अटपटे क्वेश्चंस, चलो देखते हैं, जैसे ये लिखा होगा, चलिए ये वाला क्वेश्चन फ्रेम करिए फटाफट जल्दी से, आप सभी फटाफट ये वाले क्वेश्चन को फ्रेम करिए जल्दी से, जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे बच्चे। वाह बेहतरीन, कविता भी कह रही है डी, मजा आ गया भाई, अच्छा लगा कि आप सभी बच्चे हमारे रेगुलरिटी को मेंटेन करके आते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप बच्चों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा उनको बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, सर अच्छे क्वेश्चन डिलीवर हो जाते हैं, आप सभी आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और एक टीचर अगर बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको पता होगा कि आपके जब स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो कभी भी किसी चीज के लिए बोलते थे तो आपके भले के लिए ही बोलते थे। अरे भाई क्या कर रहे हो, देखो भाई यहाँ पर लिखा है 15 और 15 का इन्होंने लिखा है क्या 52, उसी तरीके 33 को इन्होंने क्या लिखने हैं, जो भी लिख रहा है वो निकाल दीजिए, और यहाँ लिखा है 22 और 22 का क्या लिखा है बच्चा इन्होंने लिखा है 73। कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर लिखा है 15 और 15 को 52 बनाने में हम एक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 52 आएगा, 52 आ जाएगा, क्लियर है ना भाई। इसी तरीके से अगर हम 22 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 7 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 73, आता है ना। तो इसी तरीके से 33 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चा 99 आएगा, और 99 में प्लस 6 कर देंगे तो क्या जाएगा 106 आंसर, सॉरी 6 नहीं ऐड करेंगे यहाँ पर 7 ही ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, है ना बच्चा, तो 106 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है आपके पास, थर्ड में दिया हुआ है बच्चा। चलो थर्ड में दिया है, एक और ये अलग क्वेश्चन बनाओ, ब्लड रिलेशन का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, बनाओ सभी लोग। 106 इतना इजी, हाँ इजी था, कभी कभी इजी भी आता है, इजी था ये वाला भी, इजी है, आप बनाओ सभी लोग। हाँ जी चलिए, तो ये वाला बनाइए, चलो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बच्चा कि सूरज की एक तस्वीर को देखते हुए, बेटा सूरज की तस्वीर देखने की बात कर रहा, ध्यान रखना सूरज की तरफ फेस देखने को नहीं कह रहा, सूरज की तस्वीर को देखते हुए श्री गौरव ने कहा, श्री वरी हटाओ, गौरव ने कहा कि सूरज भाई एक कोई बंदा होगा सूरज, ठीक है,
मे बी अगर सूरज है तो मे बी हम इसे लड़का ही कंसीडर करेंगे नाम के अकॉर्डिंग अभी भी, ठीक है। और गौरव को भी एक लड़के की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गौरव ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादाजी कहाँ है, इन दादाजी किसके दादाजी कहाँ आएंगे, ऊपर आएगा दादाजी के लौता बेटा, तो ये खुद हो जाएगा, है ना। बेटे का बेटा मतलब गौरव के पापा है, तो ये दोनों के बीच में पूछ रहा है। गौरव और सूरज के बीच क्या संबंध है, ब्रदर है बेटा, क्या है, भाई है, भाई है, भाई क्या है बेटा, भाई है। अच्छा चलो और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन एक और देखें। चलो एक और ये वाला क्वेश्चन फ्रेम करो, एक और क्वेश्चन ये फ्रेम कर दू। ध्यान रखना बच्चा, इसमें से बताना है नॉट करेक्ट, क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। जरा ध्यान से बनाइएगा आप सभी इस चीज को, आप सभी इस चीज को ध्यान से बनाइएगा। चलिए बनाइए, नॉट करेक्ट बताना है, फटाफट बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए बेटा, नॉट करेक्ट ही बताना है। सर एक क्वेश्चन आया था 11 अगस्त को 2023 सीजीएल में, हाँ तो आसान है, अच्छा 5-7-9 करके आया था, है ना। हाँ ऐसे, तो मैं वही तो कह रहा ना कि जो हम लोग कर रहे हैं ना, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हमें लेवल और ऊपर चाहिए, पर बच्चा जब पेपर में ये आता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको। बच्चा लिखा है नॉट करेक्ट वाले के लिए आपको पूरी कहानी को फ्रेम करना पड़ेगा, है ना, पूरी कहानी को फ्रेम करना पड़ेगा। तो दो बार बच्चा प्लस लिखा है, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या लिखा था, सिस्टर। तो एल जो है बच्चा वो सिस्टर है किसकी, एम की, और एम जो सिस्टर है बेटा वो किसकी, एन की, ठीक है। माइनस का मतलब क्या लिखा है, वाइफ है जो किसकी, एन जो है बेटा वो वाइफ है किसकी, ओ की, तो बेटा इधर हस्बैंड आ जाएगा ये ओ इसका, चलो ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या लिखा है, फादर है, तो ओ जो फादर है बेटा किसका, पी का, चलो सही है। और मल्टीप्लाई का मतलब लिखा है ब्रदर, तो पी जो है बेटा वो ब्रदर है किसका, क्यू का, ठीक है ना भाई। चलिए तो अब देखते हैं, इसमें बोला था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ओ इज द फादर ऑफ क्यू, ओ जो फादर है बेटा क्यू का, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर लिखा एल इज द डॉटर ऑफ एन, एल जो है बच्चा वो डॉटर नहीं हो सकती, बहन है, इसका मतलब यही आंसर, यही वाला आंसर होगा बी, क्योंकि उसने बोला था नॉट करेक्ट, कौन सा बोला था, नॉट करेक्ट पूछा था, तो बी वाला आंसर होगा, ठीक है भाई। तो फिर आज के सेशन को चलते हैं, यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने समझाया आप इसको कर सकते थे। तो फिर आज के सेशन को हम लोगों को बेटा यहीं रोकना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।